लॉकडाउन के बावजूद केंद्र सरकार के फैसले के बाद बांका लौटे छात्रों ने राहत की सांस ली। बरौनी पहुंची ट्रेन से छात्रों को बांका के PBS कॉलेज लाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनके स्वास्थ्य परीक्षण का दौर जारी है। सभी छात्रों को जांच के बाद उनको होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजा जा रहा है। छात्रों के साथ ही जिला प्रशासन और व्यावसायिक संघ की ओर से सभी छात्रों को पानी और नाश्ता उपलब्ध कराया गया। वहां से लौटे छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। उनका कहना था कि कोटा में लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद अब तक कोई खास असर नहीं था। वहीं जब दूसरे प्रदेश के छात्र अपने घर लौट रहे थे तो अपने राज्य सरकार से नाराजगी होने की बात कह रहे हैं। यही नहीं, लौटे छात्रों में पल्लवी ने कहा कि कोटा में बेहतर सुविधा थी। वहां चलने के बाद 30 घंटे के दौरान केवल कानपुर में पानी और भोजन मिलने के साथ ही बरौनी में केवल एक एक बिस्कुट पैकेट देने की बात कही। साथ ही बरौनी की व्यवस्था से सभी छात्र नाराज दिख रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के प्रवासियों के अपने राज्य लौटने की अनुमति देने के बाद बिहार में भी कामगार वापस लौटने लगे हैं, और इसको लेकर सरकार ने विभिन्न जिला के प्रखंड और पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण कराया है, जिसमें कि दूसरे राज्यों से आने वाले क्षेत्र के प्रवासी रह सके। इसी कड़ी में पंजवारा में भी +2 उच्च विद्यालय परिसर में बेड लगाकर पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के बाहर से आ रहे प्रवासी कामगार को रखा जाएगा। इसको लेकर मुखिया भोला पासवान ने बताया कि लोगों को सरकार द्वारा दिए जाने वाली हर तरह की सुविधा दी जाएगी और उन्हें यहां रखा जाएगा। उधर लॉकडाउन के मद्देनजर सरकार बॉर्डर चेक पोस्ट पर भी पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है, और बॉर्डर पर मेडिकल विभाग की टीम की NM बबीता कुमारी लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है, और वहां पुलिस बल भी तैनात है। व्यवस्था मुखिया जी, यहां क्या गया? यहां व्यवस्था बेड का किया गया है, लाइट, पानी, बाथरूम, शौचालय, सब चीज का व्यवस्था है। और अभी तक कोई यहाँ पर आया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया हुआ है। एक आया हुआ है जो पंजवारा मिडिल स्कूल में ठहरा हुआ है क्वारंटाइन में। सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई है? हाँ। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए बांका जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रही है। DM सुहर्ष भगत लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहकर इस महामारी से जिलेवासियों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। DM सुहर्ष भगत के निर्देश पर जिले के 2 अधिकारियों को रेफरल अस्पताल अमरपुर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। DM सुहर्ष भगत ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार बाहर से आने वालों को प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन किया जाता है। इसी के तहत जिला के सहायक कोषागार पदाधिकारी और अमरपुर के आपूर्ति पदाधिकारी को अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। सहायक कोषागार पदाधिकारी कंचन कुमारी लॉकडाउन के दौरान पटना में ही फंस गई थी। लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद पटना के हॉटस्पॉट इलाके में रहकर बांका पहुंची तो उन्हें अमरपुर रेफरल अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया। इधर अमरपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कमल जायसवाल की तबीयत ठीक नहीं रहने पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। इधर DM ने दोनों अधिकारियों को अमरपुर रेफरल अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में रहकर विभागीय कार्यों का भी निपटारा करने का निर्देश दिया है। अमरपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कमल जायसवाल ने बताया कि वह हृदय रोग के साथ साथ डायबिटीज से भी पीड़ित हैं। उम्र 60 साल के करीब पहुंच चुके हैं। अमरपुर के साथ साथ बांका प्रखंड का भी प्रभार दिया गया है। बीमारी की वजह से दोनों प्रखंडों का काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। बीमार रहने के बावजूद कोरोना महामारी में दोनों को लाभ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि सारा डाटा सरकार तक पहुंच जाए और लाभुकों को समय पर लाभ मिल पाए। ये DBT है, लाभुक है, उनके पर पैसा जाने है। अमरपुर में ये काम जो है काफी पेंडिंग में था, तो उसका कलेक्शन हम लोग जो है विक्रेताओं के माध्यम से कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि एक एक आदमी का जो है डाटा ऊपर किया जा रहा है, जिसमें कि आधार कार्ड, कार्ड, पासबुक का फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड की फोटोकॉपी, एक एक आदमी का देख के लिया जा रहा है। ये अंबिका जी हैं, ये हमारा नरेंद्र दास है, वो ध्रुव है, विभीषण सिंह है, वहाँ पर परमानंद यादव है, भरको से, ये सारे लोगों को हम लोग जो है बुला बुला कर इसका जो है कॉपी ले रहे हैं, और अभी ब्लॉक में वीडियो के माध्यम से हम लोग जिला को भेजेंगे, ताकि इनके खाते में 1,000 रुपया चला जाए, जो सरकार की ये जो योजना है उस योजना का सफल संचालन करने में हमारा PDS सहयोग कर रहा है। एक
तरफ कोरोना महामारी के बीच पूरे देश में चिकित्सकों का सम्मान किया जा रहा है, उन पर पुष्प की वर्षा हो रही है। कई ऐसे भी लोग इस सेवा से जुड़े हुए हैं जो इस पूरी व्यवस्था को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। ऐसा ही एक मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराहाट में शर्मसार कर देने वाला आया है। यहाँ पर संवेदना के बाद पहुंची महिला मरीजों से कुछ ANM के द्वारा अवैध राशि की उगाही की जा रही थी, जिसका विरोध किए जाने पर प्रसव वेदना से करा रही महिलाओं के साथ दोनों ने कथित रूप से मारपीट की, जिसके बाद महिला मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। दरअसल रविवार की देर रात मनीषा देवी पति रूपेश यादव ग्राम कैथपुरा को जैसे ही प्रसव वेदना घर में आरंभ हुई, उन्होंने एम्बुलेंस को टेलीफोन के माध्यम से घर पर बुलाया और एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जिसके बाद उसे ड्यूटी पर तैनात ANM इंदु कुमारी एवं मीना कुमारी द्वारा चेकअप किया गया और मनीषा देवी के परिजनों से प्रसव कराने के लिए रुपये का डिमांड किया गया। महिला मरीज का आरोप था जब उसने पैसा देने का विरोध किया तो ड्यूटी पर तैनात दोनों ANM ने उसके साथ मारपीट की। इसी बीच खतारा गांव के एक मरीज सोनी कुमारी पति श्रीकांत यादव को भी प्रसव वेदना आरंभ हुई। दोनों ANM ने उनके परिजनों से भी रुपये की मांग की। पैसा नहीं दिए जाने पर इन दोनों ने उसके साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। मारपीट में जहां मनीषा को कई जगह जख्म आए हैं, उसके शरीर पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए, वहीं सोनी देवी को भी कनपट्टी में गहरे चोट लगे हैं। दोनों मरीजों के परिजनों ने क्रमशः 600 और 300 रुपये ANM को दिए। जब इस मामले पर सोमवार की सुबह परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू किया तो करीब 10 बजे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और सीधे अपने केबिन में चले गए। उन्होंने घटना के जख्मी दोनों मरीजों का हालचाल जानना भी मुनासिब नहीं समझा। इधर मामला बिगड़ता देख स्वास्थ्य प्रबंधक ने आनन-फानन में दोनों मरीज को डिस्चार्ज लिस्ट थमाते हुए उसे घर भेजने की व्यवस्था कर दी और दोनों मरीजों को मौके पर से हटाकर उसे घर भेज दिया गया। आरोपित दोनों ANM इंदु कुमारी एवं मीना कुमारी पर पूर्व में भी प्रसव कक्ष में प्रसव वेदना से कराहती महिलाओं से अवैध राशि उगाही का आरोप लगता रहा है, लेकिन जानकार बताते हैं कि दोनों की पहुंच इतनी ऊंची है कि हर बार वह साफ बच जाती है। लोग तो यहां तक कहते आए हैं कि उनके ऊपर स्थानीय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नीलम्बर निलय ने बताया कि कार्य की अधिकता की वजह से मामला उनके संज्ञान में नहीं आया। सुबह जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने दोनों ANM को जांच पूरी होने तक तत्काल ड्यूटी से हटा दिया है। ना अभी जो पैसा आपने दिया या मारपीट जो हुआ, अभी डॉक्टर साहब को बोली है जाके? अच्छा, पहचानती नहीं है, लेकिन उस ANM को पहचानती है जिसने मारपीट किया, जिसको पैसा आपने दिया है? दिया है ना? ये कितने लोगों के साथ हुआ है आज यहाँ पे? कितने लोगों? तीन आदमी के साथ। कौन थी? नाम कुछ पता है क्या दोनों? इंदु और मीना। ये इंदु और मीना, कभी अभी आपने जो यहाँ पे चिकित्सक मौजूद थे या जो कोई अधिकारी थे जिनको आपने कंप्लेन किया कि भाई पैसा मांगा जा रहा था, मेरे पेशेंट के साथ मारपीट हुआ, ऐसा किसी को शिकायत की है क्या? किसी को शिकायत किए भी जाके? अभी किसी को बोली है? हाँ, कहाँ से आई हैं? कैथपुरा से। अच्छा, कब आई थी आप? अच्छा, आपके साथ भी मारपीट हुआ है क्या? अच्छा, तो मतलब प्रसव दर्द वेदना के साथ आप यहाँ आई हुई थी, आपके साथ मारपीट हो, पैसा वगैरह भी कुछ मांगा जा रहा था? जो 350 रुपया दिए? अच्छा, कौन? तो कुछ नाम याद है उनका जिसको दिए हैं, पहचान लेंगे आप? अच्छा, इंदु। अच्छा, ANM थी लोग? ANM थी ना लोग? और लोगों के साथ भी मारपीट हुआ है क्या? तीन लोगों के साथ। कहाँ, किस जगह मारा है आपको? किस जगह मारा है? मतलब कौन पे? दोनों तरफ? अच्छा, आपके साथ ये कौन है? माँ है क्या? चाची साहब। तो जब मारपीट हो रहा था या पैसा मांगा जा रहा था, आप बोले किसी को या डॉक्टर साहब यहाँ होंगे उनको बोला है आपने?
ये मेरे साथ देखिए मार्केट नहीं बोले हैं अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालेश्वर ठाकुर है। मैं बाराहट प्रखंड के यूनियन कंस्ट्रक्शन यूनियन के संयोजक पद से मैं प्रभारी हूँ और मेरा उत्तरदायित्व है कि अपने मजदूर महिला हो या लड़के सभी का देख रेख करने का हमको उत्तरदायित्व है। और किस मामले को लेकर आप भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं? मौजूद इसलिए हैं कि हमारे समाज में इस तरह का जो है किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, इसलिए हमें सूचना मिला और हमें यहाँ आना पड़ा। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना यही मिला कि किसी महिला ड्रेवी पेशेंट को मारपीट कर रहा है। क्यों मारपीट कर रहा है, ये किस वजह से था ये तो हमें पता नहीं था पहले, मगर अभी मैं यहाँ पे आकर देखा, पूछताछ किया तो ये मामला यही है कि मारपीट की वजह है कि कुछ मांग होगा पैसे का, पैसे भी बता रहे हैं और ये जो है आप लोग देख लीजिए, मतलब पैसा मांगा जा रहा था यहाँ पे जो एनएम मौजूद थी। हाँ। मौके पर उससे पैसा ये लोग नहीं दे पा रही थी। हाँ। गरीब लोग होने की वजह, गरीबी होने की वजह से पैसा नहीं दे पा रही थी, इसकी वजह से सर मारपीट हुआ, यही कहना है। हाँ, संज्ञान लेंगे और अभी हमको पता चला है कि घटना महोदय कल की बताई जा रही है, तो सर को अभी तक जानकारी नहीं मिली है, कैसे हो सकता है? हाँ देखिए, ये बात है कि हम लोग अपना वर्क में हैं, 7-8 बजे तक हम लोग यहाँ से गए, तब तक में कोई सूचना नहीं मिली जी, और किसी तरह का कोई शिकायत जो है मेरे पास नहीं आया, और अभी हमको शिकायत मिली है सवेरे तो जस्ट मिली है, तो अभी हम लोग उसका संज्ञान लेंगे और जो दोषी होंगे उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। धन्यवाद। सरकार एक और जहां वन पर्यावरण को बचाने के लिए जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने के लिए बड़े रोड मैप पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर जयपुर थाना क्षेत्र में सक्रिय वन माफिया जंगल के दुश्मन बन बैठे हैं। बरसों से कटिहारी पंचायत के बुकवा मोर गांव में चल रहे अवैध आरा मिल संबंधित अधिकारी के संरक्षण में चल रहा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर इस बार BFO राजीव रंजन के निर्देश पर की गई छापेमारी वन माफियाओं को भी भारी पड़ गई। रविवार को गुप्त सूचना पर कई वर्षों से चल रहे अवैध आरा मिल के खिलाफ वन विभाग अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। DFO राजीव रंजन के निर्देश पर बौसी रेंजर अरुण कुमार अधिकारियों के साथ कटिहारी पंचायत बुकवा मुर गांव में अवैध रूप से चल रहे आरा मिल पर छापेमारी कर ब्लेड फीता सहित अन्य उपकरण जब्त करते हुए मिल संचालक मोदी यादव के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया। रेंजर अरुण कुमार ने बताया कि बौसी रेंज के वन क्षेत्र में कीमती लकड़ियां चिराई इस मिल में होने की गुप्त सूचना मिली थी, इसी आधार पर अपने अधिकारियों के साथ यह कार्रवाई की गई। इस मिल में अवैध रूप से 2 फीट की मोटी लकड़ी की चिराई की जाती थी। अधिकारी ने छापेमारी के दौरान साक्ष्य के तौर पर मिल पर स्थित लकड़ी एवं मिल सहित अन्य उपकरणों की वीडियोग्राफी भी की, जो साक्ष्य के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। वहीं इसी पंचायत के कारी पहाड़ी गांव में भी दारू यादव के जमीन पर सुखवा लकड़ी मिल होने की सूचना मिली है, वहां पर काम कर रहे मजदूरों के औजार को भी जब्त किया गया है। रेंजर अरुण कुमार ने बताया कि स्थल से मिली लकड़ी अवैध आरा मिल के आधार पर आरा मिल संचालक मोती यादव एवं दारू यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस अभियान में वनपाल राजकुमार यादव, वन रक्षी हरेंद्र पासवान, रणधीर कुमार एवं रवि रंजन कुमार मौजूद थे। बांका के फुल्ली डुमर प्रखंड प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कार्यरत एक कर्मी नंदेश्वरम के असामयिक मौत पर चिकित्सा कर्मियों ने शोक व्यक्त किया एवं 2 मिनट तक मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। जानकारी के अनुसार दिवंगत नंदेश्वरम ने योगदान फुल्ली डुमर अस्पताल के मलेरिया यूनिट में किया था, जबकि वे स्थानांतरित होकर बांका सदर अस्पताल में चले गए थे। उनका निधन अपने बांका आवास पर हृदय गति के रुक जाने से हुआ। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर शाह आलम, चिकित्सा प्रबंधक परशुराम सिंह, मुकेश कुमार, अजय कुमार समेत सभी ANM एवं अन्य प्रमुख थे। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत योजनाओं का काम प्रारंभ कराया गया है। इसी कड़ी में बाराहट प्रखंड के पंजवारा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत 16 लाख रुपए से तालाब और डाड़ खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ है। शुरू हुई योजना से लगभग 3000 मानव दिवस कार्य का सृजन होगा। इसको लेकर PRS अजीत कुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत डाड़ और तालाब खुदाई का काम हो रहा है। साथ ही मुखिया भोला पासवान ने बताया कि सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए ही काम कराया जा रहा है। काम कर रहे लोगों को मास्क, साबुन आदि का वितरण किया जा रहा है, साथ ही उन्हें साफ सफाई रखने का निर्देश भी दिया जा रहा है।
बांका जिला के बौंसी थाना क्षेत्र के सरोचा गांव में बालू माफियाओं द्वारा वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गोलीबारी की वारदात की गई। घटना सोमवार की बताई जाती है। मामले को लेकर मारपीट की घटना में जख्मी मिथिलेश कुमार यादव, संतोष यादव और सत्यनारायण यादव को इलाज के लिए रेफर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में गोलीबारी के शिकार मिथिलेश यादव ने बताया कि पिछले दिनों बौंसी पुलिस के द्वारा गांव के अमित यादव और निरंजन यादव का अवैध बालू ट्रैक्टर पकड़ लिया गया था, जबकि झारखंड की पुलिस के द्वारा भी अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया। जख्मी ने बताया कि लगातार बालू गाड़ी पकड़े जाने की वजह से बालू माफिया तिलमिला गए और उन लोगों ने आरोप लगाया है कि तुम लोगों के द्वारा ही बालू ट्रैक्टर को पुलिस को सूचना देकर पकड़वाया जा रहा है। सोमवार को गांव के नवीन यादव, महेश यादव, मुरारी यादव, तुलसी यादव, नीतीश यादव, गौरव यादव सहित उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के साथ लाठी डंडे पत्थर से मारपीट की गई, जबकि अमित यादव के द्वारा गोली चलाई गई जो कि मिथिलेश कुमार के सर को छूते हुए निकल गई। हालांकि सर में गहरा जख्म हुआ है। रेफरल अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टर ऋषिकेश सिंह द्वारा बेहतर इलाज के लिए मिथिलेश और सत्यनारायण यादव को भागलपुर रेफर कर दिया गया है। गोली चलाने के बारे में उन्होंने बताया कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा गोली लगी है अथवा नहीं। घटना की जानकारी मिलने के बाद थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव अस्पताल पहुंचकर पड़ताल की और जख्मी तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की। थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने बताया कि बालू चोरी का ट्रैक्टर बौंसी पुलिस के द्वारा और झारखंड पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। पीड़ित व्यक्ति बता रहा है कि इसी आक्रोश में मारपीट की गई है। गोलीबारी के संबंध में उन्होंने कहा कि पीड़ित के द्वारा गोली चलाने की बात बताई गई है। मामले की जांच की जा रही है।